सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा आशीष ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन, जय माता दी, और आज है अष्टमी। तो अष्टमी को मैंने सुना था कि गुलाबी रंग का कपड़ा पहन के पूजा करनी चाहिए, तो मैंने आज ही सूट पहना है। साड़ी भी है गुलाबी कलर की, मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मन नहीं कर रहा था। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, साड़ी पहन के ना ये जो घर का काम होता है वो मेरे से हो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सूट पहन लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ। मैंने सबसे पहले, मैंने आपको बताया ना कि मैं पूजा करने से पहले मैं कोशिश करती हूँ अपने बाबू को सुला दूँ मैं, तो मैंने अपने बाबू को सुला दिया है, ये सो रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और ये मेरा सोना सो रहा है। सोना ये कितना क्यूट लगता है ना, छोटा हुआ बिल्कुल प्यार। और जागने में इतनी शैतानी करता है, इतनी शैतानी करता है ना, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया मेरा बाबू। अभी तो छोटू सा है और अभी से इतना ज़्यादा शरारत करने लगा है। तो इनका हमेशा का है कि जब मैं पूजा करती हूँ तो ये, जब मैं स्पेशली जब पाठ करती हूँ तो ये मेरी गोद में आके बैठते हैं, वहीं पे बैठेंगे, मुझे परेशान करेंगे। कभी कभी तो पाठ कर रही होती हूँ, ये गोद में होते हैं, सो जाते हैं वहीं पे। तो मैं जब भी पूजा करने जाती हूँ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, तो मैं कोशिश ये करती हूँ मैं बाबू को दूध पिला के सुला दूँ, ताकि ये मुझे शांति से पूजा कर लेने दें। क्योंकि फिर क्या होता है ना, ये वहाँ पे जाके परेशान करते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ें हम लोग भूल भी जाते हैं, दिमाग इधर उधर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इनको सुला दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ शाम की पूजा करने, उसके बाद में तब तक हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा होगा। आज मेरा व्रत था, तो मैंने सुबह क्या खाया हुआ था, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ वही जब मैंने चाय पी थी, और चाय के साथ में मखाने मूँगफली के दाने यही खा लिए थे। उसके बाद में मैंने 4 बजे करीब एक सेब खा लिया था। अब मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो पहले पूजा कर लेते हैं, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो चाय बनाएंगे, चाय के साथ में देखते हैं कुछ खाते हैं। फिर आज भी कुछ अपने लिए रेसिपी बनाऊंगी, मैं अभी से नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोग मेरा थंबनेल वगैरह देख के तो जान ही जाते होंगे ना, बेकार में ये सब चल रहा है। तो मैं ये कहने जा रही थी कि मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं पूरे नवरात्रि के 9 दिन पूरे आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करूँगी। ब्लॉग के साथ में मेरा मोटिव ये होगा कि मैं आप लोगों के पास अपनी एक रेसिपी पहुँचा सकूँ, तो मैंने वही कोशिश की है। सारे ब्लॉग में मैंने एक रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है। आज भी मैं आप लोगों के साथ में एक अपनी नवरात्रि स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। और प्लीज़ 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 आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, बट आप लोग मतलब मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप प्लीज़ सजेशन दे दो, कुछ तो थोड़े से कमेंट कर दिया करो, बता तो दिया करो कम से कम कि हाँ ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या फिर मैं अपने ब्लॉग में क्या क्या आप लोगों को मतलब दिखाऊँ, क्या क्या किस चीज़ पे क्या कंटेंट होना चाहिए मेरा, किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट कर दो, क्यों जो है सो है। मैं आपको सच बताऊँ, मुझे खुद ऐसा फील होता है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग उतने पसंद नहीं आते होंगे, क्योंकि वही है ना कि ब्लॉग का मीन मतलब ब्लॉग वही पसंद आते हैं जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, फैमिली ब्लॉग हो, या तो मेरा वैसा कोई चैनल तो है नहीं कि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। तो मैं जब डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो उसमें जब पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है तब उस ब्लॉग की बात ही अलग होती है, तो वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे होते हैं ब्लॉग में, और हस्बैंड तो आप जानते हो, वो बताया मैंने आपको कि वो कैमरे के सामने आने में बहुत ज़्यादा उनको हेजिटेशन होता है, इसलिए मैं ज़्यादा उनको कैप्चर नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं मेरे बच्चे। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं मतलब आगे मेहनत करूँ, आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करना कि मैं कैसे वीडियो बनाया करूँ, क्या क्या मैं दिखाऊँ, सजेस्ट करना कि आप लोगों को मेरे कैसे ब्लॉग देखने हैं, और थोड़ा सा सपोर्ट करना, आगे मैं मेहनत करती रहूँगी। सो आज है अष्टमी, तो मेरा है व्रत, अब मैं कर लेती हूँ पूजा। ज़्यादा बात अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा पूजा के, ऑलरेडी लेट हो गया है, इनको सुलाने के चक्कर में, बाबू को सुलाने के चक्कर में लेट हो गया। तो अब कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद में जो भी होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। और कल है नौमी, और कल मैं जो मतलब कन्या खिलाऊँगी, तो उसकी मुझे तैयारी करनी है, चने वगैरह अभी सब भीगने के लिए रखना है, और फिर कल का ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोग अभी तो फिलहाल इस ब्लॉग में आए। सो मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो आप लोग ये बताइएगा मेरा सूट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये भी मैंने मीशो से मंगाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। तो इस तरीके से है, नीचे पैंट है, प्लाजो पैंट है, ऊपर कुर्ता है, और ये प्यारा सा बहुत ही लाइट वेट दुपट्टा है, बहुत ही लाइट दुपट्टा है, तो बहुत ही प्यारा है, काफ़ी कंफर्ट भी है। तो
बताइएगा कैसा लग रहा है। चलते हैं पूजा कर लेते हैं। फैमिली तो पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में हस्बैंड के लिए खाना बनाने, क्योंकि आज है मेरा व्रत, तो मैंने सोचा पहले उनका खाना बना देती हूँ, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करके फिर अपना फरारी बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कुटू के आटे की पकौड़ियाँ। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 आलू लिए हैं, उनको छील लिया, वॉश कर लिया, उनको इस तरीके से चिप्स वाली कटिंग में पतला पतला कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे कुटू का आटा लिया है, उसमें मैंने थोड़ा काली मिर्च पाउडर डाला है, सेंधा नमक डाला है, अदरक डाला है, धनिया डाला है, हरा मिर्च डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप लोग मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे कोल्ड हुआ है 2-4 दिन से, इस वजह से मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। तो यहाँ पे पानी डाल के और इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आप देख सकते हैं। और मुझे मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, जो हमने आलू के पीसेस को लिए हैं तो उसकी कोटिंग करनी है मतलब इस बैटर से। उसके बाद फ्लेम पे मैंने रख दिया था रिफाइंड ऑयल जो कि हमारा गर्म हो चुका था। तो इस तरीके से एक एक पकौड़ी मैं इसमें डाल दूँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको मैं पका लूँगी। बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनकर तैयार होती है, वो काफ़ी क्रंची भी रहती है, मतलब क्रिस्पी भी रहती है और बहुत ही आसान है। तो आप भी आप ये किसी भी फास्ट में खा सकते हैं बना के, यानी कि आपका शिवरात्रि का व्रत हो या जन्माष्टमी का व्रत हो या नवरात्रि का हो, जो भी आपके फरारी वाले व्रत होते हैं उसमें आप ये बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है एंड इजी रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे जो भी आपके साथ में रेसिपी शेयर की वो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो खा पी के हम सो गए थे। और ये है जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग का है, नौमी का। तो सुबह सुबह मेरी बिटिया रानी का 6 बजे बुलावा आ गया था कंजक पूजन के लिए, तो मैं उसको वही नहला धुला के तैयार कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा यह छोटू से ब्लॉग थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। तो मैं बेटी को नहला धुला के यहाँ पे तैयार करके सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है, मैं उसको भेज दूँगी। उसके बाद मैं भी कंजक खिला रही हूँ, तो मैं आगे के काम को कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले तो झाड़ू पोछा, और मेरे आज भी मेरे हस्बैंड के ऑफिस का मतलब ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले जाके उनके लिए खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं किचन वगैरह साफ़ करके साफ़ सफाई करके फिर कंजक की तैयारी करूँगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जो भी हो आपके क्वेश्चंस मतलब आप जो भी चाह रहे हो कि किस तरीके के मैं ब्लॉग डालूँ वो आके प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।